त्योहार तो हम सभी को बेहद पसंद है, पर त्योहारों के साथ जुड़ी हुई घर की साफ सफाई नहीं भाती। वैसे तो घर की साफ सफाई का सिलसिला 12 महीने 24 घंटे चलते ही रहता है, लेकिन ये समय साल का वो समय होता है जब हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए और पूरे टास्क को अकम्प्लिश कैसे किया जाए। नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दिवाली की साफ सफाई कुछ ज्यादा होती है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग होता है घर का। एक एक कोना हम साफ करते हैं, बहुत सारी जगहों को डीक्लटर करते हैं। जो चीजें घर में यूं ही पड़ी हुई हैं इधर उधर हम अंदर घुसा कर रख देते हैं ताकि हमारे नजर में ना आए, उन सब चीजों को हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में चर्चा करूंगी कि किस तरह से आप डीप क्लीनिंग प्लान करें ताकि ये सारा प्रोसेस उतना थकान भरा ना हो, बल्कि बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आराम से आपकी घर की सफाई हो सके। तो पहली बात तो ये कि आप प्लान कर ले अच्छे से कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। अगर आप अच्छे से प्लान कर लेती हैं तो हाफ द बैटल इज वन। अब शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत वहीं से करें जहाँ की आपको लगता है सबसे ज्यादा क्लटर जमा है। तो मैं अपने वार्डरोब से शुरुआत करती हूँ क्योंकि कपड़ों की शॉपिंग तो सालों भर चलती है और साल भर में या तो ये फेड हो जाते हैं या आउट ऑफ शेप हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। और चूंकि अगस्त सितंबर में धूप बहुत कड़ी होती है तो वार्डरोब के सारे कपड़ों को धूप दिखाना होता है और इसी प्रोसेस में हमें ये पता चल जाता है कि किन कपड़ों को रखना है और किन को हटाना है। इस तरह से तीन काम एक साथ निपट जाते हैं। कपड़ों से सीलन की बदबू निकल जाती है, वार्डरोब डीक्लटर हो जाता है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। पर हाँ, सारे वार्डरोब्स को मैं एक ही दिन नहीं साफ करती हूँ, डे वाइज डिवाइड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरा वार्डरोब का डीक्लटरिंग हो गया। अब जो है मैं बॉक्स स्टोरेज यानी कि बेड में जिन चीजों को मैं स्टोर करती हूँ उसको मैं हाथ लगाती हूँ। सो नेक्स्ट इज माय बेड स्टोरेज। साल भर में जो बेड कवर्स, बेडशीट हम अब यूज नहीं करते हैं या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स या फिर बहुत सारे जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं वो हम जल्दबाजी में घर को ऑर्गेनाइज रखने के चक्कर में यहाँ बेड में स्टोर करते चले जाते हैं। और ये देखिए कितना ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया है यहाँ पर। इस कमरे में दो बेड्स हैं जिनमें की चार बॉक्स स्टोरेज है, तो मेरे प्लान के मुताबिक ये चारों बॉक्स स्टोरेज 2 से 2.5 घंटे में साफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने दिन का वो समय निर्धारित किया जबकि मुझे किसी तरह का इंटरप्शन या अड़चन ना आए। सुबह सवेरे किचन से निपटकर यानी कि नाश्ता और लंच तैयार करने के बाद और डोमेस्टिक हेल्प के जाने के बाद ही मैं ये काम शुरू करती हूँ। तो इस वजह से हम अपने काम पर बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं, किन चीजों को हटाना है, किन चीजों को रखना है, किन चीजों को अभी नहीं हटाना है, कुछ महीनों बाद हटाना है, किसी को देना है, ये सारे डिसीजन हम बहुत आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के ले पाते हैं। और ये देखिए बिना किसी रुकावट के मेरे दोनों बेड की साफ सफाई केवल 2-2.5 घंटे में हो गई, बेड ऑर्गेनाइज हो गया और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि प्लानिंग प्रॉपर थी। तो ये हो गया बेड का साफ सफाई। अब नेक्स्ट जो है मैं कैबिनेट्स पे हाथ लगाती हूँ। तो मेरे घर में ज्यादा कैबिनेट्स है नहीं, किचन कैबिनेट्स है वो मैं ऑलरेडी साफ करते ही रहती हूँ हर हफ्ते हर महीने ग्रोसरी लाने के पहले, तो इसलिए किचन में ज्यादा मुझे साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक ये कैबिनेट है जिसे मैं ड्राई बालकनी में रखती हूँ और इसमें जनरली मैं DIY वाले चीजों को रखती हूँ। तो अगर आप DIY में इंटरेस्ट रखती हैं तब तो इस जगह को साल में एक बार यानी कि दिवाली से पहले जरूर डीक्लटर कर लें क्योंकि DIY वाले चीजों से हम बेवजह कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए मैं ज्यादा DIYs नहीं बनाती हूँ, तो ये जो कुछ डिब्बे टिफिन बॉक्सेस हैं ये मैं अपने डोमेस्टिक हेल्प को दे रही हूँ, उन लोगों के बहुत काम आते हैं ये। नेक्स्ट जो मेरा कैबिनेट है वो है शू कैबिनेट। तो सबसे पहले इस कैबिनेट में जितने भी व्हाइट शूज थे जिनमें की मिट्टी के दाग लग गए थे बारिश के मौसम के दौरान
उन्हें मैंने यहाँ धो लिया है और जूतों को मैं कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। इसकी दो वजह है, एक तो जिद्दी मिट्टी के दाग वॉशिंग मशीन में जाते नहीं है और दूसरी वजह ये कि काफी हद तक इन जूतों का शेप बिगड़ जाता है, तो इन्हें मैं नॉर्मल डिटर्जेंट और स्क्रब से ही धोती हूँ। रात भर यहाँ पानी ड्रेन आउट होने के बाद दूसरे दिन सुबह मैंने इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लिया ताकि इनमें फंगस ना लगे और शू कैबिनेट को मैंने पहले ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, साफ सुथरा कर लिया। उसपे जो भी मैंने लाइनर बिछाए हुए थे उनको अच्छे से गर्म पानी और साबुन से धोकर सुखाकर यहाँ बिछा लिया है और इस नए वाले व्हाइट शूज को बकायदा शू बॉक्स में रखूंगी ताकि इसमें किसी तरह का दाग धब्बा ना लगे। और ये डीप क्लीनिंग का, साफ सफाई का काम काफी बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, तो इस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ। गाना सुनते सुनते काम करने में मन भी लगता है और काम जल्दी भी हो जाता है। So, ये जो दो स्लिपर्स हैं ये मैं रेगुलर यूज में पहनती हूँ तो इसलिए इसको मैंने बिल्कुल सामने इस तरीके से रखा है। यहाँ से निकालती हूँ और जो घर वाला स्लिपर्स है उसको वापस यहाँ रख देती हूँ, तो इसलिए ये मैंने ऐसे ही रखा है, अंदर अरेंज करके नहीं रखा। अब इस शूज को कहाँ रखूंगी, उस तरफ जगह होगा शायद, तो ये शू कैबिनेट भी साफ हो गया। तो इस तरीके से एक दिन में एक ही चीज की साफ सफाई प्लान कीजिए, काम आसान भी होगा और थकान भी नहीं होगी। अब आती है बारी मेरे टीवी वाले जो यूनिट है उसको साफ करने का। तो इसे साफ करने के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करूंगी क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह है तो यहाँ हाथ से साफ सफाई पॉसिबल नहीं होता है। और इस कैबिनेट में मैं इस तरह के ब्राउन पेपर बिछा कर रखती हूँ तो आप देख सकती हैं कि सारा कचरा इस पर ही है, तो बस इसे उठाकर मैं फेंक देती हूँ और जो थोड़ा रहा सहा कचरा रहता है वो मैं इस वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लेती हूँ, तो कोना कोना बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और दोबारा फिर से ब्राउन पेपर बिछा देती हूँ। और कुछ चीजों की साफ सफाई मैं ऐसे दिन प्लान करती हूँ जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो दोनों जन मिलजुल कर साफ सफाई कर लेते हैं तो काम मिनटों में निपट जाता है। नेक्स्ट जो मैं करती हूँ वो है बाथरूम के जो कैबिनेट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ दोनों तरफ का, एक तरफ मेरा है और दूसरे तरफ हस्बैंड और बेटे का है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं हम, खास तौर पे दिवाली की साफ सफाई जो कि काफी टायरिंग और टाइम टेकिंग होता है, तो इस दौरान घर के बाकी मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना बेहतर होता है क्योंकि घर तो सभी का है। तो इसलिए जब आप प्लान बना रही हो तो इस तरह से बनाइए कि बाकी जो घर के मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हो आपका हाथ बटाने के लिए। और ये देखिए बाथरूम के भी सारे ड्रॉर्स साफ हो गए और व्यवस्थित हो गए। और ये देखिए इतना ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो रखा था इन ड्रॉर्स में। तो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में स्टेप वाइज प्लानिंग बता देती हूँ। फर्स्ट रूल ऑफ डीप क्लीनिंग वो ये है कि कभी भी पूरे घर की सफाई एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आप थक जाएंगी और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और फिर आप जैसे तैसे किसी तरह काम निपटाना चाहेंगी। तो आप एक एक चीज को एक दिन का ही टाइम दें, यानी कि जो भी आप साफ सफाई करती हैं मैक्स टू मैक्स आप 2.5 या 3 आवर्स प्लान करके चले, उससे ज्यादा आप एक दिन में साफ सफाई ना करें क्योंकि घर के अनेकों काम होते हैं जो कि बिल्कुल वो डेली रेजीम डेली रूटीन में आता है, उसे आप टाल नहीं सकेंगी, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकेंगी। तो उन जो डेली रूटीन वाले कामों के बीच में आपको ये 3 घंटा निकालना है तो बस ये 3 घंटे का ही टारगेट लेके चला कीजिए, तो आपका काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप साफ सफाई प्लान करें तो समय जरूर अपने सहूलियत के हिसाब से निर्धारित करें कि किस समय आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, डोमेस्टिक हेल्प काम करके चली गई है और किसी तरह का भी आपको उस 3 घंटे के दौरान डिस्टर्बेंस ना हो। इसकी वजह से आपको थकावट बहुत कम होगी और मेंटली आप टायर्ड नहीं फील करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये डीप क्लीनिंग को आप अभी से शुरू कर दें। इनफैक्ट मैं जब आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मेरे घर की ऑलमोस्ट
60% साफ सफाई हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करती हैं तो दिवाली के जस्ट 15-20 दिन पहले से आप घर को सजाना शुरू कर सकती हैं। आप ये प्लान कर सकती हैं कि मैं उस जगह को किस तरह से सजाऊंगी, या बाहर एंट्रेंस में मेरा डेकोरेशन कैसा होगा, या मेरे मंदिर के पास का डेकोरेशन कैसा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है कि अरे साफ सफाई भी करना है, खरीदारी भी करनी है, प्लानिंग भी करना है। तो आप रिलैक्स्ड वे में अपने त्योहार को एंजॉय कर पाएंगी, अपने घर को सजा पाएंगी, लोगों के साथ मिलना जुलना हो पाएगा। तो इस तरह से आप अपने साफ सफाई के प्रोसीजर को बहुत ही रिलैक्स्ड और बिना किसी थकान के कंप्लीट कर सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।